हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम टू स्टडी फॉर करियर। तो दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का लेसन 14 हम लेकर आए हैं। इसके जो प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सो वीडियो को कंप्लीट देखिए और जो भी आपके डाउट होंगे या जितने आपके क्वेश्चन सही होंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अन अकेडमी पर भी फॉलो कीजिए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, फिजिकल डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। सीटर 2013 में ये आया था क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन है, पोलियोग्रस्त बच्चे अभी गाना प्रस्तुत करेंगे। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, या मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। तो देखिए, एक शिक्षिका एक कक्षा में कुछ फिजिकल डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो हमारा कथन है, जो सबसे अच्छा कथन है, जो हमें कहना उचित होगा, तो वो है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे जो हैं कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। ऑप्शन है डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया या डिसथीमिया। तो देखिए, शारीरिक रूप से अक्षम बालक जो होते हैं उनको सामान्यतः क्या हो सकता है, तो वो हमें बताना है। तो राइट आंसर जो होगा वो है डिसग्राफिया। देखिए, शारीरिक रूप से जो बच्चे अक्षम बच्चे होते हैं फिजिकली, मीन्स जिनमें ये डिसेबिलिटी होती है, वो मीन्स ये वैसे तो लिखने संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें बच्चा क्या करता है, ना तो ठीक से लिख पाता है, ना ही उसकी लिखावट सही होती है, मीन्स वो बैलेंस नहीं कर पाता है, हाथ हथेली उंगलियों में गड़बड़ी होती है। तो इस वजह से ये जो है डिसग्राफिया उसको हो जाता है, मीन्स लिखने में प्रॉब्लम होती है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। अगला है सीखने संबंधी निरोगता सामान्यत, तो बताना है सीखने संबंधी निरोगताएँ सामान्यत सीटेट 2012 में आया था। लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है, अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषकर जिनके पौत्रिक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, या औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा सीखने संबंधी। देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी जो है किन में मोस्टली पाई जाती है, तो वो हमें बताना है। देखिए, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषकर जिनके पौत्रिक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, जिनमें भी मीन्स वो प्रॉब्लम हो सकती है। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बच्चा जो या फिर कनह से ग्रसित है, वह सा और वॉज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जंबल शब्द जंबलिंग विकार, डिसलेक्समिया, डिसमॉर्फिया या डिसलेक्सिया। तो देखिए, एक बच्चे को प्रॉब्लम है, वी मीन्स वो सा एंड वॉज में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, न्यूक्लियर और अनक्लियर में। तो देखिए, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम है, मीन्स डिसलेक्सिया, उसको डिसलेक्सिया से ग्रसित है। मीन्स इसमें बच्चे जो हैं पठन विकार से संबंधित होता है, इन बच्चों में पढ़ने में उनको प्रॉब्लम होती है, और कई वर्ड जो हैं बी या डी है ना, उनमें ये डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो राइट आंसर जो होगा फोर्थ ऑप्शन इज राइट। कक्षा में तीन बच्चे पोलियोग्रस्त हैं, खेल के कालांश में उन्हें, सीरियल 2012 में आया था, एक कोने में बैठाना चाहिए ताकि वे खेल का आनंद ले सकें। अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए, या कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए, कक्षा में तीन पोलियोग्रस्त बच्चे हैं जिन बच्चों को पोलियो है, तो खेल के कालांश में उन्हें अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हम मोटिवेट ही कर सकते हैं, डीमोटिवेट हम उनको नहीं कर सकते। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वह कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति
सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है या दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संवहन तनाव बढ़ा रही है। देखिए, इसमें पूछा है कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षकों को अन्य बच्चों के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ एक्टिविटी कराती है, तो वो सब बच्चों को समावेश करके चल रही है, मीन्स वो इंक्लूसिव एजुकेशन की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सबको समाविष्ट करके वो एक्टिविटी करा रही है टीचर, तो राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अगला है, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य निराशय कुंठा का सामना करते हैं? ऑप्शन है, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, खेलकूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। तो श्रवण ह्रास से जो ग्रसित बच्चे हैं कक्षा में किस सबसे मुख्य कुंठा का सामना करते हैं? तो देखिए, ये होते हैं ना तो वो एक दूसरे के साथ संप्रेषण कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ना ही वो इन्फॉर्मेशन को मीन्स एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। तो दूसरे के साथ संप्रेषण करने में, कम्युनिकेट करने में और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता उनको होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से फील करना है कि समस्या से संबंधित है, सुनने, पढ़ने, बोलने या बोलने व सुनने। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा है डिस्लेक्सिया जो है ये पढ़ने से रिलेटेड है, पठन विकार से बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन है, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालय में या विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो जो स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा कैसे प्रोवाइड की जाती है? राइट आंसर होगा सीटेट 2011 में आया था। जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं, है ना, अन्य सामान्य बच्चों के साथ उनको शिक्षा प्रोवाइड की जानी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? देखिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार या व्यवहार संबंधी विकार? तो इसका सही आंसर होगा पठन विकार। पढ़ने से प्रॉब्लम होती है बच्चों में, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज राइट। पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, इसमें ऑप्शन है, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्य को करने में सहायता दी जानी चाहिए, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, या के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो पाँचवीं कक्षा के दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी हैं, तो इसका सही आंसर होगा, देखिए, वो है हमारा के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना, नॉर्मल बिहेव उनके साथ होना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से उनको जो है शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए, जिनको मिस देखने में प्रॉब्लम है, दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज राइट। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना या कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो देखिए, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी जो समस्याएं होती हैं, देखिए हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है, प्रॉब्लम उनकी अलग होती हैं, तो हम क्या करेंगे, उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट टीचिंग मेथड जो है हम यूज़ करेंगे बच्चों के अकॉर्डिंग। तो अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, तो सबसे बेहतर तरीका पूछा है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है, फिल करना है, मैं निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, सीटेट 2011 में आया था। विशेष विद्यालयों, मुक्त विद्यालयों, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों या नियमित विद्यालयों? तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन इज राइट, नियमित विद्यालयों। कक्षा पाँच के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए या कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए? तो कक्षा पाँच के न्यून दृष्टि वाले जो बच्चे हैं उनको कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, एक अच्छा बिहेव करना चाहिए, नॉर्मल बिहेव करना चाहिए और
ऑडियो सीडी के जरिए उनको शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए, सहायता प्रदान करनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन इज राइट। डिस्थीमिया है गंभीर तनाव की अवस्था, पठन विकार, शब्द जंबलिंग विकार या लेखन विकार। तो डिस्थीमिया जो है, देखिए ये गंभीर तनाव की अवस्था है। इस मनोविकार का प्रतिकूल प्रभाव बच्चे के लर्निंग पर पड़ता है और डिस्थीमिया की अवस्था में बच्चों की जो मन की स्थिति है, चित्तवृत्ति जो है हमेशा लो रहती है, निम्न रहती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इज राइट। गणित को समझने की अशक्तता, डिसमॉर्फिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया या डिसलेक्सिया। तो देखिए गणित को समझने में जिनको प्रॉब्लम होती है तो वो है हमारी डिसकैलकुलिया, है ना, जिसमें बच्चों को गणित, अंक गणित को समझने में प्रॉब्लम होती है उसे कहते हैं डिसकैलकुलिया। क्लियर। और वैसे तो कई तरह के होते हैं डिसकैलकुलिया, जैसे कि ग्राफिकल डिसकैलकुलिया, लेक्सिकल डिसकैलकुलिया, वर्बल डिसकैलकुलिया, प्रोक्टोग्नोस्टिक डिसकैलकुलिया, ऑडियोग्नोटिक डिसकैलकुलिया, ये कई टाइप हैं डिसकैलकुलिया के। अगला है डिसग्राफिया, मुख्य रूप से यहाँ फिल करना है कि समस्या से संबंधित है डिसग्राफिया, सुनने, पढ़ने, बोलने या लिखने। तो इसका सही आंसर होगा, ये है हमारा लिखने से ये संबंधित है। ठीक है, डिसग्राफिया जो है लिखने से प्रॉब्लम है, बच्चा अच्छी तरह से लिख नहीं पाता है, उसका बैलेंस सही नहीं होता है, हाथ उंगलियों का बैलेंस नहीं होता है, उनमें प्रॉब्लम होती है। क्लियर। तो राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की आवश्यकता कौन सी है, मौखिक रूप से पूछा है, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, अफेजिया या डिसलेक्सिया। तो इसका सही आंसर है, देखिए इसमें पूछा है कि मौखिक रूप से भाषा और संप्रेषण अधिगम जो आवश्यकता होती है, मींस भाषा और कम्युनिकेट करने में बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है, जिसमें बच्चे ना तो सीख सकते हैं ना ही अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, कठिनाई महसूस करते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो सही आंसर है अफेजिया। ठीक है, आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप उसकी शिक्षा के प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे, उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, शिकायत तो बिल्कुल नहीं करेंगे, उसको कक्षा से बाहर जाकर पढ़ने को कहेंगे, बिल्कुल गलत है, विशेष शब्दों के उच्चारण को उससे एक बार में ही पढ़ने को कहेंगे। तो इसका सही आंसर होगा कि भी एक छात्र है मोहन, पढ़ते समय या बोलते समय हकलाता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। आपकी कक्षा के एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है, इस स्थिति में आप क्या करोगे, उसका नाम विद्यालय से कटवा देंगे, उसे बहुत अधिक गृह कार्य देंगे, उसे शारीरिक दंड देंगे जिससे कि वह दोबारा गुस्सा ना करें, कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। तो देखिए नेगेटिव में तो हमको नहीं जाना है, जब पॉजिटिव में आंसर पूछा है, देखिए ना तो हम उसका नाम कटवाएंगे, ना ही उनको ज़्यादा होमवर्क देंगे, ना ही उसको पनिश करेंगे, लेकिन हाँ इन्वॉल्वमेंट जो है क्लास का वो एक शांत और खुशहाल बनाएंगे ताकि बच्चे जो हैं खुद को सुरक्षित महसूस करें। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। तो डियर यही थे आज के क्वेश्चन, कैसे लगे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।